कैंपस, पापा को दिखा दो ऐसे कैंपस। ये है कैंपस, वहाँ था एंट्रेंस, ये हम, ये सरला बिल्ला, और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो आप लोग को नहीं दिखा, जो अपने आप को दबंग बनता है। ये हमारा प्रिय प्रिय भाई डिपार्टमेंट ऑफ, ये छपरी थी ग्रेट, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ योगा। योगा क्लास यहाँ पर होबो करता है। यो ब्रो, ये पैंट सही है, बहुत गंदा है मेरा। हाँ देख सकते हैं आप, पैंट देख सकते हैं आप, मस्त पैंट लिए हमीर वाला, ये स्क्रैच वाला देख बोल रहा है। तो और क्या बोल रहे हैं हम, कुछ भी। तो अब हम लोग कुछ खाने पीने जा रहे हैं, देखते हैं क्या जंगल झाड़ी में। मेरा वो लोग पता है, घर वाला लोग भी देखते हैं अभी भाई, कुछ तो होता है, पता नहीं क्या होता है। वो हमारा ब्यूटीफुल सा कैंपस, वो हाँ, देखो जो वो बन रहा है, हमारा कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, मतलब 5-4 साल बाद सरला बिरला को ग्लोबली रिप्रेजेंट करा जाएगा। और वो देखो मिस्टर सिंघम, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स नहीं नहीं, अरे कैंटीन इधर है, कैंटीन है हाँ, गर्ल्स हॉस्टल में डायमेंशन बहुत फेमस है भाई। देखो दबंग, दबंग को बनाओ दबंग, हाँ ये देख सकते हैं आप लोग दबंग दबंग। अरे भाई सुन लिया, और भाई लोग यही है कुछ कैंपस, रखेंगे इधर क्या है, ये वाला पेड़ है भाई, ये पेड़ पता है, अरे पेड़ नहीं बोल रहे हैं, उधर क्या है वो, क्या है वो वाला बिल्डिंग, ये गर्ल्स हॉस्टल, ये पेड़ को काट के बेचा जाएगा ताकि, तो ये कैसे, ये रहता है ग्राउंड फ्लोर खाली रहता है गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है भाई, गर्ल्स हॉस्टल, तुम इतना श्योरली कैसे बोल, लिखा हुआ है, तुम अंधा हो गया, दैट्स द गर्ल्स हॉस्टल देयर, कोई समझा ना इसको। एंड देयर द कैंटीन है डायमेंशन, जहाँ बच्चे चिल करते हैं, और ये BCA का मत बोलो अभी डायमेंशन। अच्छा वो देख, फिर से कैंटीन एक बन रहा, अच्छा और बहुत बड़ा कैंटीन बन रहा है, जिसमें बेइज्जती हो जाएगा, जिसमें सब क्या बोलते हैं, बेइज्जती हो जाएगा, क्या बोलते हैं, छपरे लोग बैठ के खाते हैं, और हम लोग भी छपरी हैं, तो हम लोग भी जाके बैठ के खा रहे हैं, ठूसने जा रहे कुछ। 5 minutes later, तो ये हम लोग अभी पेटीज लिए हैं, वेज पेटीज, ये सॉस डाल रहे हैं, ये क्या क्या पेटीज है, पनीर पेटीज, पनीर पेटीज, और ये मेरा दोस्त, नहीं दोस्त नहीं भाई, यहाँ पर ये सॉस डाल रहा है, सॉस डाल रहे हैं, ये माजा लिए हैं, और भाई मजा आया, ये है यहाँ का कैंटीन, रुको तो देख लेते हैं वहाँ, ये वाला है, चलो। तो अभी हम लोग कैंटीन से निकलते हुए बॉयज हॉस्टल बाहर में, समझे बाहर बाहर है, तो बॉयज हॉस्टल मतलब बॉयज के साथ भेदभाव हो रहा है, बॉयज को यहीं आके खाना पड़ता है, ये गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है, क्या हो गया, हंस का रहा है, हंसी आ जाता है गर्ल्स हॉस्टल सुन के, और कटाई छटाई चल रहा है, कटाई छटाई चल रहा है, ये पेड़ को बेचा जाएगा, इन पेड़ों को, अच्छा, और बिल्डिंग बनाया जाएगा, बिल्डिंग बनाया जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, महादेवी बिरला इंस्टीट्यूट नर्सिंग एंड क्लिनिकल टेक्निकल रांची नर्सिंग हॉस्टल, नर्सिंग गर्ल्स लोग का हॉस्टल, अच्छा, जो यहाँ पर बायो लेके आया है, अच्छा ठीक है, जो बायो लेके आया है, हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन ये बड़ा भेदभाव हो रहा है कि लड़का लोगों को बाहर फेंक दिया गया है, वहाँ से छत जाके हम, आप लोग देख रहे हो कि सरला बिरला कितना अमीर है, हाँ, तो सरला बिरला अमीर है, आप यहीं से देख सकते हो, सब लोग बाइक लेके आए हैं, यहाँ छपरी वाला बाइक नहीं दिख रहा भाई, अभी तक तो नहीं दिखा है, हाँ एक बुलेट लेके आया भाई, एक और छपरी बच्चा हेलमेट लेके कहाँ इधर उधर टहल रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हो, बुलेट वुलेट भी लाया जाता है यहाँ, कार वार लाने देगा ना,
कार लाने देगा ना। यही है कैंपस और यहाँ पर और कुछ बन रहा है। अच्छा ये सर्कल वाला है। हाँ ठीक है, जो मैप में दिखाया गया था ये जो आपको सर्कल बनेगा। हम लोग जब निकलेंगे तब यहाँ बच्चे बहुत रईस रईस आया करेंगे। और बीच में जो है इसका मिडिल में है मेन वाला बिल्डिंग। ये बिल्डिंग भी है कुछ मानना पड़ेगा। बिल्डिंग काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया। पैसा है भाई, पैसा बिरला बिरला ग्रुप के पास पैसा है। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक और मनुष्य बीआईटी मिश्रा, इसका बड़ा भाई है, हेल्प करता है। बीआईटी मिश्रा बड़ा भाई नहीं, बीआईटी मिश्रा इसका बाप है। बाप है, बाप है, बाप है। ये है मेन बिल्डिंग जो बोला जाता है शायद, हमको नहीं पता ये क्या क्या बना हुआ है भाई। ओहो बाहर भी। अच्छा रिंग रोड बन रहा है। बन क्या रहा, वो बन गया रिंग रोड, वहाँ रिंग रोड बन रहा है भाई। इन फ्यूचर पता है, वो फ्यूचर है रिंग रोड, पता है रांची का मतलब झारखंड का फ्यूचर रिंग रोड। मेन रिंग रोड है ये मेरे भाई, रिंग रोड से कनेक्टेड है, रिंग रोड है मेन रिंग रोड। अच्छा तो वहाँ से जो कटता है सीधा यहाँ के मिलेगा भाई, जैसे पुरुलिया रोड है ना तुम जिसमें। हाँ। पुरुलिया समझता है ना। हाँ। जैसे मतलब कनेक्ट करता बहुत जल्दी। हाँ। वैसे रिंग रोड बहुत को कनेक्ट करेगा। अच्छा सही है बहुत, इधर तो आस पास सही है, यहाँ से नज़ारा भी मस्त है, हवा भी अच्छा आ रहा है। ये है कि कौन कौन ये है कि अरे जो उधर से हम लोग अपना कैंपस देख पाएंगे, मतलब अपना बिल्डिंग देख पाएंगे। चलो ना तो क्या दिक्कत। ये एक फुल फ्लेज बन चुका है, ये राउंड बन रहा है, ये पीछे भी आप देख सकते हो बन चुका है वो वाला और ये वो वाला बन रहा है, मतलब ये तीन बनेगा, चौथा वहाँ पर, चौथा वहाँ बन रहा है तो वही है। और बीच में ये है तो ये पता नहीं क्या है। सल्ला बिरला को पूरा प्लान है ग्लोबली इसको रिप्रेजेंट करने का। यस यहाँ कुछ और भी दिख रहा है, यहाँ पे बहुत छपरा छपरी आते हैं। अच्छा वो बाबू सुना करते हैं तो यहाँ पर एंटी लवर बैच नहीं है। हाँ ये देखिए यहाँ पे बहुत जन मतलब। अच्छा यहाँ जो शपथ लिया जाता है यही शपथ ग्रहण समारोह होता है। नहीं शपथ नहीं, यहाँ लड़की और लड़का लोग। तो ये हम लोग मेन सरला बिरला के बिल्डिंग आ चुके हैं, मेन बिल्डिंग आई थिंक सो। यहाँ पर लिखा हुआ सरला बिरला यूनिवर्सिटी रांची और यहाँ से हम लोग को एंट्रेंस लेना है। और यहाँ फाउंटेन्स भी हैं लेकिन फाउंटेन्स में पानी नहीं है क्योंकि रांची में पानी का कमी है। या दिस इज सरला बिरला। क्या अरे सेंसर है सरला बिरला का क्लासरूम ऐसा कुछ है। इधर से आप लोग को रोड का व्यू दिखेगा, इधर से क्लासरूम है। चलिए आगे चलते हैं वॉशरूम। सरला बिरला का एडमिशन ये जो ब्लॉक है ये मेन डिपार्टमेंट है जहाँ पर लाइब्रेरी है, आपका ऑफिस है, ऑफिस लाइब्रेरी ये वाला पता नहीं हम लोग को क्या है। और ये वाला जो अभी हम लोग खड़े हैं ये है आप लोग का क्लास हो गया। हाँ ये रिंग रोड बन रहा है आपका झारखंड का फ्यूचर, झारखंड का फ्यूचर रिंग रोड। हाँ देख लिए सही है, वहाँ तक रिंग रोड गया आप लोग देख सकते हो। तो ये आप लोग देख सकते हो दूसरा बिल्डिंग का भी वर्क चल रहा है, मतलब ये बिल्डिंग जो है इसके बगल बगल तीन बिल्डिंग बनेगा एकदम सर्कल में। ये दूसरा बिल्डिंग है और वो तीसरा बिल्डिंग जो बन रहा है कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा बनेगा, ह्यूज। ये है सरला बिरला का बाथरूम और हमारे दोस्त चाह रहे हैं कि यहीं पर ये रह जाएं। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी स्टाइल मार रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई यहाँ पर। भाई मतलब वॉशरूम सही है, हाइजीन का सही फैक्टर रखा गया है। चलो ना पहले देख लेते हैं।
बॉयज हॉस्टल अच्छा मतलब वहाँ से यहाँ नहीं आता है, सब लोग यहीं से वहाँ चल के जाते हैं। क्या बोल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा अभी हॉस्टल सब खाली हो गया ना, एक रूम में सिर्फ तीन स्टूडेंट, तीन वाला है इधर, वेस्टर्न वाला है भाई, ये तो टॉयलेट है ना। हाँ टॉयलेट है वेस्टर्न वाला, ये बाथरूम भी अटैच है सर। ठीक है सिंगल वाला रूम कैसा है? सिंगल नहीं है। और ये वाला कबर्ड किसका है फिर? उस रूम का है, उसमें इस रूम में है। अच्छा सिंगल सिंगल रूम नहीं है मतलब। अच्छा सर मतलब एक ये अच्छा ये मेरा एक है किसको तो नहीं रहता सीनियर बच्चों को। अच्छा सीनियर बच्चों को है। मतलब कब तक एंट्री कर सकते हैं लास्ट टाइम? शाम को 7 बजे तक। अच्छा लास्ट टाइम ठीक है, क्योंकि 8:30 बजे खाने का टाइम है, 8:30 का टाइम है। ठीक है समझा। और उसका ये सरप्राइज वाला कितने का प्राइस लिस्ट वाला? ये सब वहीं मिलेगा यहाँ नहीं? 96 7 नंबर के गेट पे आईक्यू सेंटर है। हाँ इंफॉर्मेशन सेंटर वहीं पे सारे, वहाँ पर हम लोग को डिटेल है। 48,000 है सिक्स मंथ का, एक सेमेस्टर का। अच्छा और सर खाना पीना सर? 48,000 सिक्स मंथ वन सेमेस्टर, समझ गया। थैंक यू विवेक भाई फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो अगर आप लोग को इस कॉलेज के बारे में कुछ भी इंक्वायरी करना हो तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में विवेक भाई का लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहां जाके उनको फॉलो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि आप फॉलो कर लिए, और आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो इस कॉलेज के बारे में। एंड ये वीडियो भाई मजाकिया थोड़ा सा है तो इसको सीरियसली मत लीजिएगा, एंड ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम विवेक भाई।